बात बताओ, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों हुई हमारे देश में? अंग्रेजों ने राज करा, डचों ने राज करा, फ्रांसीसों ने राज करा, उनसे ही क्यों इतनी वो हुई? क्या क्या बात कर रहा? अभी G20 हुआ, कौन कौन से देश के मुस्लिम के राष्ट्राध्यक्ष आए? क्यों आए? ओमान के आए। क्यों आए? क्या जरूरत थी उन्हें? मोदी जी क्या बुलाया? क्यों बुलाया था? क्योंकि आपको सस्ता तेल चाहिए और यहाँ पे धर्म की राजनीति करेंगे आप और वहाँ से सस्ता तेल लोगे मुस्लिमों से। क्या हुआ? मुस्लिमों का तेल यूज करना बंद करो ना। ठीक है यार, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, क्या चाहिए? दो में से एक साठ लो। विकास चाहिए, विकास चाहिए। हाँ, धर्म की राजनीति बंद कर दो। कौन करेगा? हम ये बात मानते हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा मानते हैं, फिर हमारे साथ जब गलत होता है तब आप क्यों नहीं खड़े होते? कौन सा गलत? कहाँ पे गलत? नहीं गलत हुआ, कहाँ पे गलत हुआ? अभी ये क्या हुआ जी, इन जींद में था या हरियाणा में? आप चार व्यक्तियों के सामने एक मोहल्ले में किसी की उसको ललकारोगे बहादुरी की तो आपको कुछ नहीं कहा? अच्छा। आपके मोहल्ले में 15-20 लड़के लेके तलवार निकाली लेके जाऊं तो क्या आपकी वो नहीं आवे? आपकी बहू बहन बेटियों को जब धर्म के आधार पर अलग हुआ था फिर आप लोग गए क्यों नहीं? कौन लोग? लोग मैं कौन हूँ? तो फिर आप कौन हूँ? मैं कौन? मेरे हाथ में कड़ा कौन है? मैं कौन हूँ? तू नहीं करेगा तो मैं क्या समझूंगा? कौन हूँ? संवैधानिक बात, संवैधानिक बात चलेगी इस देश? आपके पड़ोसी मोमडन होंगे जरूर, हम ऐसा नहीं है, ही रहते हैं। क्या उन्होंने कभी आपके साथ बदतमीजी, गाली गलौज या कुछ? नहीं, हमसे क्यों गाली गलौज करेंगे? आपको पाकिस्तानी हमें आपका पड़ोसी आपके साथ अच्छे से रह रहा है ना? वही मुसलमानों से नफरत है जो नफरत फैलाने का काम करता है। आ गई बात? एक बात नहीं, सुनिए, हम ये बात मानते हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा मानते हैं, फिर हमारे साथ जब गलत होता है तब आप क्यों नहीं खड़े होते? कौन सा गलत? कहाँ पे गलत? नहीं गलत हुआ, कहाँ पे गलत हुआ? अभी ये क्या हुआ जी, इन जींद में था या हरियाणा में? आप चार व्यक्तियों के सामने एक मोहल्ले में किसी की उसको ललकारोगे बहादुरी की तो आपको कुछ नहीं कहा? अच्छा। आपके मोहल्ले में 15-20 लड़के लेके तलवार निकाली लेके जाऊं तो क्या आपकी वो नहीं आवे? आपकी बहू बहन बेटियों को मैं छेड़ू? आज हमें अपने धर्म की आवाज उठाने का कोई हक ही नहीं। आवाज दूसरे के घर के सामने जाके उठाओगे? अपने मंदिरों में जाओ, दूसरे को दिखाओगे? हमारे मंदिर के सामने निकलते हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? आप हमें निकालिए। आप हमेशा दिक्कत करते हो, समझ गए? क्यों बड़ी बात? दिक्कत हम करते हैं? मुसलमान की कौन सी यात्रा निकलती है आपकी? तो आए चौथे दिन बजरंग दल ये निकाल रहा, श्री राम सेना ये निकाल दी। इस देश ये सबका है, बराबर है, सबको यात्रा निकालने का अधिकार है। हाँ, समझ गए आप? हाँ, तो निकालो ना। तो वहाँ पे किसी के मुसलमान के घर के सामने यात्रा निकलेगी? मंदिर के सामने निकाल लो यात्रा निकाल। अच्छा, हिंदू मुस्लिम जहाँ पे रहते हैं वहाँ यात्रा निकलेगी ही नहीं? वहाँ पे निकल तो रही है। क्या देश निकल रही है? सब जगह कहाँ नहीं निकल रही? कितना किसी की उसकी ललकारोगे तो हंगामा तो हो गई। आप बात है ही नहीं। तो सुनी सुनाई बात पे विश्वास करोगे ना आप? तो मैंने जो देखा है, वो देखा जो मीडिया ने दिखाया। हाँ, वहाँ जाके देखो किसके साथ क्या हुआ। वहाँ के हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ना चाहते, वहाँ के हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ना चाहते, तो फिर ये मीडिया इनके पास क्यों बकवास कर रहे हैं? ये भी झूठ दिखा देंगे क्या? पांच उंगली बराबर है, हमारा फुटेज काट के आपका दिखा देंगे। देश में चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया। जब से बिकी हुई है, जब से देश में सरकार आई है मोदी सरकार, जब से देश में मोदी सरकार आई है सबसे सबको झूठा समझे। क्यों? हाँ? सबको झूठा नहीं होता। मैंने कहा कि पांच उंगली बराबर नहीं होती, वो सही भी तो दिखाया। हाँ? में सही भी तो दिखाया। नहीं सही भी अभी इन्हें कैसे पता चला? ये भी नहीं गए ना वहाँ, तो इन्हें कुछ मीडिया से तो पता चला। मीडिया से ही हमको भी पता चला। मानसिकता के आधार पे देखोगे ना आप कौन सी मीडिया अच्छी दिखाओगी। जो आपको चाहिए हम वही ज्ञान ग्रहण करें। जब कहीं लड़ाई हो जाए तो दोनों पक्षों की बात सुने करें। लड़ाई क्यों हुई और किस तरीके से हुई? इधर क्यों नहीं आ रहे? इधर बात करो, चाहते समझे? दो भाई लड़ाई है, दोनों की लड़ाई देखो कि किसकी गलती क्या है, तब जाके आप फैसला करोगे। ऐसे नहीं कि उसने ही सब कुछ कहा। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये अच्छा एक बात बताओ, आपको इस देश में जाति चाहिए, धर्म चाहिए, ठीक है यार, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, क्या चाहिए? दो में से एक साठ लो। विकास चाहिए, विकास चाहिए। हाँ, धर्म की राजनीति बंद कर दो। कौन करेगा धर्म की? अच्छा, हम धर्म की राजनीति बंद कर रहे हैं, फिर विकास कौन करेगा? विकास जिस सरकार को आपने चुन के भेजा, कांग्रेस भाजपा सब विकास करेंगे। अच्छा, देश में सरकार ही विकास के लिए चुनी जाती है। मोदी ही क्यों गलत है? मोदी विकास नहीं कर रहा है। तो आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये कर दिया, धर्म की ये वो कर दिया, हमने मंदिर विकास, सड़कों की बात करो, एम्स की बात करो, यूनिवर्सिटी की बात करो, कितने रोजगार दिए उसकी बात करो। हम पाकिस्तान जब सर काटता था 2009 में वो अच्छा था। क्या कह रहे थे? जवानों के सर काट लिए जाते थे तब पाकिस्तान अच्छा था। 1961 का युद्ध किसने लड़ा था? 63 का युद्ध किसने लड़ा था? 71 का युद्ध किसने लड़ा था? सेना ने ही लड़ा था। तो सेना आज भी सेना लड़ रही है ना? सेना लड़ रही है ना? मोदी लड़ रहा, सेना लड़ती है युद्ध। ये मत कहो कि मोदी लड़ रहा। सुन लो, तब सेना को इतने अधिकार ही नहीं देते थे, सर काट लिए जाते थे। क्या चाचा, अब एक बात बताओ, अभी आप तो न्यारे हुए, आपके द्वारा घर बनाने के पैसे नहीं, तो आप कट्टा कहाँ से लेकाओगे? जब आपके पास पैसे हो जाओगे, कट्टा जब लेकाओगे? पहले घर बनाओ। जब हम सरकार, क्या हमारा देश अलग हुआ था 1960? अच्छा, धर्म के आधार पर जब अलग हुआ था फिर आप लोग गए क्यों नहीं? आधार पे कैसे हुआ पता आपको? क्या कैसे हुआ धर्म कहाँ पे? हाँ, ये बात पक्की है। जब धर्म के आधार पर अलग हुआ था फिर आप लोग गए क्यों नहीं? कौन लोग? लोग मैं कौन हूँ? तो फिर आप कौन?
कौन हूँ मैं? कौन हूँ? मेरे हाथ में कड़ा कौन है? मैं कौन हूँ? तू नहीं करेगा तो मैं क्या समझूंगा? मैं कौन हूँ? संवैधानिक बात चलेगी इस देश में। वो क्या कह रहे हैं ना, वो देखो, वो ये नहीं कह रहे बराबरी का अधिकार दिया, यही है। वो ये नहीं कहना चाह रहे कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, वो ये कहना चाह रहे एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, डेवलपमेंट हो, ना कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन ये कौन गारंटी, कौन सी सरकार लेगी कि ये कुछ नहीं होगा बाद में? क्या बाद में? बाद में क्या नहीं होता है भाई साहब? अभी आप तो मीडिया में, आप कभी वीडियो बार में एक तो क्या, कितने देखते हैं वीडियो रोज सोशल मीडिया पे? तभी तो दिमाग खराब हो रहा है। व्हाट्सएप देखते हो? हाँ भाई, व्हाट्सएप नहीं तो मामला खराब। तो ये सरकारों ने कहो ये भड़काऊ जितने भी वीडियो हैं ये सोशल मीडिया बंद हो जाए। मान क्यों रहे हो? हाँ हाँ, आप गांव से हैं, सब लोग सुन रहे हैं, ईमानदारी से जवाब देना। आपके पड़ोसी मोमडन होंगे जरूर, हम ऐसा नहीं है, दुकान में ही रहते हैं। क्या क्या उन्होंने कभी आपके साथ बदतमीजी, गाली गलौज या कुछ? नहीं, हमसे क्यों गाली गलौज करेंगे? आपको पाकिस्तानी से हमें आपका पड़ोसी आपके साथ अच्छे से रह रहा है ना, वही मुसलमानों से नफरत है जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। आ गई बात, तो वो लोग जो बात बताओ, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों हुई हमारे देश में? अंग्रेजों ने राज करा, डचों ने राज करा, फ्रांसिस ने राज करा, उनसे ही क्यों इतनी वो हुई? भाईचारे वाले हैं, तो मेरे को नफरत ही नहीं है। कोई गलत है जैसे आप पाकिस्तान, हमारे में भी गलत हो सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ मुसलमान ही गलत हो सकते हैं। नफरत निकालो दिमाग से, दिमाग से तब निकालेंगे कि दोनों तरफ से हटनी चाहिए। जब आप शुरुआत, अच्छा हिंदू के कितने लड़कियों के 36 टुकड़े किए गए हैं, हिंदू लड़के ने किए हैं, मुसलमान ही क्यों 36 टुकड़े करते हैं? ये नहीं पता कि ये क्राइम इस तरह के आपस में कितने हुए, मुसलमान ने मुसलमान लड़की के साथ, हिंदू ने हिंदू लड़की के साथ, उसे आपको याद नहीं रहा? नहीं, उसे ये लव और अफेयर के चक्कर में होते हैं, ना कि धर्म के चक्कर में। इस बात को नहीं, मीडिया उठा देता है क्योंकि उसे टीआरपी चाहिए। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। नहीं, सच्चाई आप बोल रहे तो मैं तो आप दिखाएंगे वही पर विश्वास करूंगा ना, मैं उस जगह पे बैठा तो हूँ नहीं। अरे यार, सेंस भी तो नाम की कोई चीज होती है। जब आप कपड़े लेने जाओ दुकानदार के पहने हुए कपड़े, तो दोगे नहीं कि ये वाले ले लो, जो आपको अच्छा लगे कपड़े वो लोगे। तो अपनी मानसिकता का यूज करो कि क्या चीज गलत हो सकती है। आपकी तो बहुत काफी उम्र है, मैं तो बालक ही हूँ, देखो कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, फैक्ट से बात करो। मैं मस्जिद जिले से, हर जगह थोड़ा कुछ न कुछ है तो कहीं हमारे उसमें तोतलीबाजी कैसे होगी आप कह रहे हैं? एक छोटा सा अभी G20 हुआ, पश्चिमी जो मुस्लिम देश हैं उनके कितने यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, क्यों बुलाए हमने वे? उन्होंने हमारे यहाँ बैनमस्ता नहीं फैलाई, क्यों? अभी G20 हुआ दिल्ली में, यहाँ केवल पाकिस्तान आता है ना। दिल्ली में G20 हुआ अभी परसों, कल परसों, मैं चाचा क्या बात कर रहा हूँ, अभी G20 हुआ, कौन कौन से देश के मुस्लिम के राष्ट्र अध्यक्ष आए, क्यों आए? ओमान के आए, क्यों आए? क्या जरूरत थी उन्हें? मोदी जी क्या बुलाया? मोदी जी ने बुलाया, क्यों बुलाया था? क्योंकि आपको सस्ता तेल चाहिए और यहाँ पे धर्म की राजनीति करेंगे आप, और वहाँ से सस्ता तेल लोगे मुस्लिमों से। क्या हुआ, मुस्लिमों का तेल यूज करना बंद करो ना, मंदिर तोड़ रहा है, मंदिर की बात मत कराओ, और वहाँ की बात करेंगे सौ बार। उन मुस्लिमों को तेल से, उन मुस्लिमों को तेल से, उन मुस्लिम को तेल से दिक्कत नहीं है, उन मुस्लिमों को तेल से दिक्कत नहीं है, ईरान के तेल से दिक्कत नहीं है, पांच यूरोप के तेल से दिक्कत नहीं है आपको, मुसलमान से दिक्कत आपको। हिंदू खर्चा कितना आता, खर्चा कितना आया है? G20 में खर्चा कितना आया? आगरे में आए थे अभी मंत्री, कितना खर्चा आया ये बताइए आप। आगरे में आस्था मानने को किसी ने मना किया है? आस्था मान, अरे फिर इस देश की आस्था जो सुरक्षित रखी है वो हमारे संविधान ने रखी है, चाहे वो मुसलमानों की आस्था हो, ईसाइयों की, सिखों की या हिंदुओं की। गैर संविधानिक बात कर रहा हूँ, इतने लोग खड़े संविधानिक बात कर रहे हैं अभी, ये हिंदू मुस्लिम क्या? चलो हमका हिंदू मुस्लिम हटा दो, संविधान पे आ जाओ। संविधानिक जवाब देंगे आप, बताओ क्या संविधानिक जवाब के पक्ष में? अभी हिंदू मुस्लिम मतलब ना, किस मुद्दे पे चर्चा शुरू की थी यहाँ पे? मैंने शुरू की थी कि 10 साल बीत चुके हैं लगभग, ठीक है, मोदी सरकार के अच्छे काम देखकर या बुरे काम देखकर 24 में आपका जो मत है वो किस तरफ? मेरा तरफ मोदी जी की तरफ जाएगा, अच्छे काम। हाँ, अच्छे कौन से काम बुरे हुए? अच्छा, कौन से काम बुरे हुए? अच्छे काम। अगर ये माना 1% इनका मन ये है, बाकी इनकी अपना मत है, ये किसी को भी दे सकते हैं, 1% ये चाहते हैं कि भाई मैं जो है सरकार बदलना चाहता हूँ, तो ये फिर बताएंगे कि मैं इसलिए सरकार बदलना चाहता हूँ, ये नहीं कहेंगे कि तुम बताओ। मैं गिना रहा हूँ, मैं जिस जगह से आ रहा हूँ वहाँ कभी विकास ही नहीं हुआ था, इन 10 सालों में ही विकास हुआ है। एक तो हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है। क्या निकल रहा है? गंगा एक्सप्रेस वे। अच्छा, ठीक है। हमारे गाँव में कभी भी ऐसा रास्ता नहीं था कि आप बैलगाड़ी लेकर के चले जाओ, हर गांव-गांव में सड़क है, ठीक है। स्कूल हमारा इतना जर्जर था
कि आप स्कूल देखोगे तो आप ये कहोगे कि हाँ यहाँ कुछ काम हुआ है। टीचर ऐसे हैं कि लोग अंग्रेज मतलब जिन आप स्कूलों की बात कर रहे हैं उनमें बच्चे नहीं भेजते, गांव के स्कूल में बच्चे भेजते हैं, ये डेवलप हुआ है। ठीक है, ये सारे काम मोदी जी ने कराए। अभी हम आएंगे तो आप लोग फिर चिल्ला पड़ेंगे। घर में फ्री गैस सिलेंडर देने का काम मोदी सरकार ने किया, फ्री राशन का दिया, ये सब गलती का हुए। सिलेंडर फ्री कहाँ था? फ्री नहीं था, फ्री मिल गया। अच्छा, हाँ मिला। कितने महीने भरवाए आपने? अरे क्या महीने भरवाए सिलेंडर? अच्छा पूरे जिंदगी? नहीं, क्या महीने भरवाए सिलेंडर? नहीं क्या वक्त? अरे सुनो मेरी, सुनो, आपको सिलेंडर फ्री मिला? क्या बार भरवाया? अभी तक भरवा रहे हैं। कैसे भरवा लोगे? कितने का है? और जब का सुन लो, नौ कितने का है? मैं जवाब दो पहले, जवाब दो मुझे, आप कितने का है? 1100, 900 का है। फ्री मिला? और हाँ, एक मिनट, जवाब दूंगा, जवाब दूंगा। बोलो 500 रुपए दो मुझे, इनसे बोलो 500 रुपए एक बार दे दो, फिर मत देना। बोलो मोदी जी ने एक बार दिया सिलेंडर, आप इनको 500 रुपए दो, एक ही बार दो, फिर कभी मत देना, एक ही बार दो। 50 रुपए हफ्ता हमें देते रहो भैया, हम क्यों आपको दे दो 500? 50 रुपए हफ्ता देते रहो यार, तू दे, कौन नहीं रहा है? बोलो बोलो, एक बार मिल गया, जो मनुष्य नहीं ले सकता था उसको फ्री में दिया। अब वो मॉल से भरा रहा तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है? क्यों, उसका खाना बना हुआ खा रहा है? हो गया सब्सिडी, जो वादे खत्म हो गए वो कुछ नहीं। मेरी तो अभी भी आ रही है। हमारी भी आ रही है? कितने रुपए आ रही है? हमारी भी कितने रुपए आ रही है? 84 रुपए आ रही है। सिलेंडर मोदी जी ने दिया जब, कितने रुपए का भरा जाओ था 2014 से पहले? कितने रुपए का भरा जाओ पैसे बता, कितने रुपए का भरा जाओ? कितने रुपए का पहले की सब्सिडी और कितने रुपए का होता पहले? कितने रुपए का सिलेंडर? कितने रुपए का होता सिलेंडर पहले? कितने रुपए पैसा नहीं रुकता हमारी मजदूरी का? पैसा अगर रुक रहा है प्रशासन को कॉल करते हैं, प्रशासन आकर पैसा दिलवाता है। पहले तो 300 का मिलता था, तो आज कितने का? आज 950। फिर फायदा क्या हुआ इसमें? 50 रुपए मजदूरी करते थे, आज था में 900 का सिलेंडर था, और आज 23 में भी 900 का है। भाई एक बात, क्या हुआ भाई साहब? हमारे सुन लो, रुक जाओ, रास्ते जो भी है फिर से मोदी सरकार या बदलाव, मोदी सरकार आनी चाहिए। अरे भाई साहब सुनो, बताओ मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा कहने का मकसद है 2014 के बाद मोदी जीत जाएगा, आप लोग कितनी भी ऐसी टिकट लगाते हो, बदलाओ मोदी की यानी है, कितना भी आप जोर लगा लो 2000 में 90% मुद्दों की, मुद्दों की बात करो, अंधभक्ति की बात मत करो, मुद्दों की बात, यही तो है।